टाटानगर, रांची और आसनसोल से ट्रेन कब चलेगी यह हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और उन सभी ट्रेनों की लिस्ट भी आपको बताएंगे जिस पर अभी रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन सभी ट्रेनों को चलाने का फैसला लेकर के कुछ नोटिफिकेशन भी जारी किया, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टाटानगर, रांची और आसनसोल के बीच अभी रेगुलर ट्रेन नहीं चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस रूट पर ट्रेन कब से चलेगी और इस रूट पर चलने वाली डीएमयू के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाने से यात्रियों को राहत मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। इसके बाद से ट्रेन के नियमित परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि मंत्रालय ने मजदूरों को सुविधा देते हुए उनके घर वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की योजना बनाई थी। इसके बाद देश में चयनित रूटों पर कुछ प्रीमियम ट्रेन को शुरू किया गया था। यहां पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया था। इसके बाद 230 स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाटानगर, रांची और आसनसोल रूट पर चलने वाली ट्रेनों के बारे में। इन रूटों पर ट्रेनों को लेकर के यात्री अब इंतजार कर रहे हैं और आपको बता दें कि इन सभी रूटों पर चलने वाले यात्रियों को अभी सड़क मार्ग के द्वारा सफर करना पड़ रहा है। लेकिन कब से चलेगा इस रूट पर ट्रेन यह भी इंतजार अभी यहां के यात्री कर रहे हैं। इन सभी यात्रियों को अभी भी परेशानी हो रहा है क्योंकि हमें जहां तक पता है इस रूट पर ट्रेनों में अक्सर पैसेंजर का दबाव रहता है, जिस कारण इस रूट पर कई महत्वपूर्ण ट्रेन चलती थी और उन सभी ट्रेनों के परिचालन बंद हो जाने से यात्री में सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या यह ट्रेन पटरी पर फिर से लौटेंगी या फिर कोई बड़ा बदलाव के साथ साथ नई स्पेशल ट्रेन इस रूट पर दोहराई जाएगी, यह भी आपको अपडेट करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ट्रेन संख्या 18113 और 13511 टाटानगर आसनसोल एक्सप्रेस और टाटानगर रांची एक्सप्रेस के साथ साथ टाटानगर आसनसोल मेमू जैसी ट्रेन को लेकर के विचार किया जा रहा है और इसकी पुष्टि रेल मंत्रालय जल्दी करेगा। अगर रेल मंत्रालय इन सभी ट्रेनों को हरी झंडी देती है तो फिर अगले चरण में और लॉकडाउन 4 के बाद इन सभी ट्रेनों का परिचालन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे कुछ नए रूटों पर ट्रेन चलाएगी। क्या वह टाटानगर रेलवे स्टेशन रहेगी या फिर झारखंड का कोई अन्य रेल सेवाएं से जुड़ी जानकारी आने वाली, यह भी आपको अपडेट करेंगे आने वाले कुछ नए वीडियो अपडेट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।